करने के लिए जाकिर वाली करबला मुंबई का शायद शायर आले तहार जाकिर वाली करबला जनाब आगा दिलावर हुसैन साहब आफ शेखपुरा वो कसायद की इंशाल्लाह कमी पूरी करेंगे बर अजमत आले मोहम्मद सलवात। वजह नजूल आयत हलता सुल्ताना दारैन इस्मत दिला महदूद मुमलिकत दी मलका आलिया ओ मुखद्रा इस्मत जिस बीबी दी गोद दा लकब हुसैन तखल्लुस ज़ैनब उस पाक सैन ते वाजब समझ के सलवात सारे हजरात मैं तुम्हें कुरान सुना में पता लगे जिम्मे मिस्र बैठो लेकिन तवज्जो मेरे पास मुकम्मल हो गए जी यजीद ने अपने बेटे ने अपने पुत्र ने एक गल आखी उस आख्या मेरा पुत्र मैं दुनिया तो तुरना ना मेरे बाद ये तख्त तो ताज तेरा हिस्सा है तेरा विरसा भाई मेरे पास टेकना नहीं आदमी जेड़े आए न पढ़ सुन मेरे बाद तो सब मेरी गल वजह है ना तवज्जो कर सो तलुत्फा से यजीद ने पुत्र नु आख्या मेरे बाद तख्त तो ताज तेरा तू वारस यजीद के पुत्र ने एक जवाब दिता जेड़ा मुसलमान नहीं एक हिंदू शायर ने कलम चाह के लिखी हिंदू ने क्या लिखे सुना ना जनाब ने बस कह ये तख्त तो ताज तेरा है उसका ये कह के यजीद के बेटे ने मान अपने पिता का तोड़ दिया जरा समझ के ना बोले तो खुशी बन ये कह के यजीद के बेटे ने मान अपने पिता का तोड़ दिया उसका ये तख्त नहीं ये लानत है नाना भाई नाना भाई नाना सुने भाई ये तख्त नहीं ये लानत है अदा ये ताज नहीं अंगारा है उसके बस एक लड़ाई दुनिया में करबल की लड़ाई है जिसमें 57 साल के बूढ़े से 9 लाख का लश्कर हारा है उसके जालम की भयानक अन्याय की सारी जीवन शक्ति पर एक नन्हे मुन्ने बालक ने मुस्कान का थप्पड़ मारा थोड़ी ना देवे जितना मेरा हक बनता वे सौन दे बात दे मेरा शैतान जड़े बोल सकते सुभान अल्लाह माशाल्लाह जरूर था कुरान दा पढ़ना भी सवाब है कुरान दा सुनना भी सवाब है कुरान सुन के माशाल्लाह सुभान अल्लाह आखना भी सवाब है मैं उन दिन तुम इतनी खर्च रख के तलावत पे सुने जिन्हें दिन जाकर को बोलेंगे ने एक साइया की खास अता है शायद इस कुरान दे ये अजर है ये सवाब الشمس والقمر بيسوان والنجم والشجر يسجدان
والشجاعت الحسينية والعبادة السجادية والماسر الباكرية والآثار الجعفرية واللوم الكاظمية والحجج الرضوية وجود التقوية والنكابة النكوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله نا جانے کتنا خدا کو پسند ہے یہ عمل ساؤنڈ والا کچھ آواز دے بولا تم سلامت رکھے تیرا ساؤنڈ دی آواز مکل بلا آئے تو جی ساؤنڈ والے لے جڑے ذاکر بھائی ساؤنڈ بند کر دے اور جتنی ہو سکتی انی کر دے بھائی لڑنا تیری مہربانی تو جانی تے بانی جانی تیرے ساؤنڈ تیرا تگے دا دیا عرض کرے نہ جانے کتنا خدا کو پسند ہے یہ عمل عبادتوں کا بھی چہرہ خوشی سے کھلتا ہے توجہ میرے پاس حیدری عرض کرے نہ
कोई मर दिया भाई। न जाने कितना खुदा को पसंद है ये अमल, इबादतों का भी चेहरा खुशी से खिलता है और तबर्रा करता हूँ जब तेरे कातलों पे बतूल, नमाज से भी ज्यादा सुकून मिलता है। एक भाई और सुनो तभी ये तलकी है तेरा भाई सुना ना जनाब मौला तन सलामत रखे बिस्मिल्लाह कर। अर्ज करे आप कश्ती छड़ के आल रसूल वाली कल्ला पे आवी तरे ते की फायदा। लेकिन पंजाबी दी समझ नहीं आती। कश्ती छड़ के आल रसूल वाली ओ कल्ला पे आवी तरे ते की फायदा, दिलो बुगस्ते हसद जे ना कड्डे अल्लाह हुई करे ते की फायदा, पल्ला छड़ के सचदा कूड़िया दे दम पिया भी भरे ते की फायदा, जे कर दिल विच होप नहीं हैदर दी नबी कोल भी मरे ते की फायदा। गुजारिश है कसीदा मैं अलमा वाले बादशाह का पढ़ना है। एक कसीदा मेरा पूरी दुनिया से चल रहा है जरा मैं थोड़ा सुना लगा, ये कोई आम कसीदा नहीं अब्बास का। मैं अगर गुजारिश कर रहा सी कि यूसुफ अलैहि सलाम खूह छान खूह छ मुश्किल बाबा जी नबी तो भी हो ना शाह जी हसन शाह जी वो अल्लाह ने याद करता है। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम चूंकि अल्लाह के नबी हैं दूर तक निगाह गई अपने बिरावा ते भी गई एक होर पासे भी गई। रब से कहते थे हजरत यूसुफ मेरे अल्लाह ये करम मुझ पे भी किया होता भाई पिछले रात में दावते फिक था थोड़ा बोले मेरे नाल। रब से कहते थे हजरत यूसुफ ये करम मुझ पे भी किया होता मेरे अल्लाह इतने भाई नहीं दिए होते एक अब्बास दे दिया होता। सबके जाना थोड़ी जिंदगी में याद मिला इतने भाई इतने भाई नहीं दिए होते एक अब्बास दे दिया। अल्लाह का जवाब सुनावा तवज्जो है जनाब दी। बोला होगा खुदा ये यूसुफ से, बोला होगा खुदा ये यूसुफ से हक का अलमास कैसे दे देता, ओ तुम ना शब्बीर हो ना माँ है बतूल तुमको अब्बास कैसे दे देता। अब्बास वसदा मेरे नाल जरूर बोला और दुआ मंगे इंशाल्लाह कबूल ना आवे तो मैं अब्बास का बुआ भी नहीं कोई नहीं। अल्लाह गाजी नु बनाया नाले जुरता बनाया, अल्लाह गाजी नु बनाया नाले जुरता बनाया, चोले वस्ता रखे ना भाई चोले लहरा ने सीत। शेर सादा है लेकिन बहुत बड़ा शेर। दाइया रिश्तों आई अब्बास की आमद, शहनशाह वफा रूहे वफा परवरदिगारे वफा मैयारे वफा नुक्ता मरकजी अरबाबे वफा अली दा अली बचड़ा। जनाबे अब्बास नबी नहीं इमाम नहीं पंजा च नहीं बारह च नहीं चौदह च नहीं क्यों आदि गादी मौला सारी मदद कर। गल सोचने वाली नहीं नबी भी नहीं
इमाम भी नहीं, पंजाच नहीं, बारच नहीं, चौदाच नहीं, क्यों आदे हो गाजी मौला सारी मदद कारे स्वास्थ्य आदे आप पंजा बारा थे चौदा दिया नियता दे मरकज दा नाम है अब्बास हजरत हाशम दी हशमत दा नाम है अब्बास हजरत मुतलब दी वजाहत और जलालत दा नाम है अब्बास हजरत अबू तालब दी चाहत और मोहब्बत दा नाम है अब्बास हजरत खदीजतुल कुबरा दे इशार दा नाम है अब्बास हजरत फातिमा तु जहरा दी तकमीले तमन्ना दा नाम है अब्बास जनाबे अब्बास नु मुखातब करके जनाबे अब्बास दी आमद दा शेर पढ़ रहे पूरी तवज्जो पाके बुरका है याद बड़ी बड़ी मेहरबानी जी 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 फिर जी पढ़ना नौकरा लग पर पढ़ना अदर किबला तुरो भाई सुन लो चूंकि अब्बास जहरा दा पुत्र जी बिस्मिल्लाह बीबी दा अपना फरमान जदो मेरा हक मिले जितना हिस्सा हसनैन नु मिले उतना अब्बास ओ मैं सदके जा शाह जी मैं शेर पढ़न लगा अता है शेर जड़ी सुनावन लगा जंगे सफीन सारे जान दे जंग जनाबे अब्बास लड़ी तायद करे सुना 16 पुत्रा नाल मेरे मौला तशरीफ फरमाएं कोई पढ़िया लिखे बंदा आख सकदा जाकिर साहब गलती कर रहे हो 16 नहीं 18 मैं आखांगा किबला भुलिया भी नहीं गलती भी नहीं कर रहा 16 में स्वास्थ्य पड़े ने नच दो मोहम्मद पुत्र आए ना बोलिया जी यार मैं हाय हाय पढ़े लिखे लोग आज अच्छी गल करनी जानो केड़ा मेरा पुत्र है जेड़ा आज मैं अली वांगू लड़ सी शर्त मौला ने रखी केड़ा मेरा पुत्र है जेड़ा मैं अली वांगू लड़ सी सरकार हसन वड्डे आन अगे वधे ने हसन हसीन दो लफ्ज़ हैं हसन हसीन तवज्जो करना हसन हसीन हसीना दिन खूबसूरत हसीन कोई भी होवे आईने दा मोहताज होंदा गल दे नसीन हसीन कोई भी बंदा होवे ना वो आईने दा मोहताज अगली गल हुसन ते जवाल आ सकदे बलो सर हुसन ते जवाल आ सकदे हुसन खत्म हो सकदा है हसीन कोई भी होवे आईने दा मोहताज है हसन उस नु आ देनी जिस दा आईना मोहताज होवे जड़े चौगड़े मौला बोलन दी तौफीक बाबा मैं लड़सा
अली फरमेन ने तैं सुनिया नहीं, मैं अपने पुत्रां दी गल कीती है, तू मुहम्मद दा बचड़ा है। चलो अब्बास अगे वधे, बाबा मेरा दिल ले सफीन, मैं लड़ा। शेर पढ़न लगा, मिन्नत नाल पढ़ना, नाज तो फकर है ही कोई ना। वो बादशाह रंग ला देवन, पाक सईदा कबूल कर। बाबा मेरा दिल ले मैं लड़ा। अली ने पुत्र दे चेहरे वल वेख, अब्बास तेरा सिन छोट, तैं जंग लड़ी कोई नहीं, तेरा जंगा दा तजर्बा कोई नहीं, सफीन दे मैदान च हजार हजार जवान दी ताकत रखने वाला पहलवान मौजूद, ओ मैं सदके अब्बास किवें लड़ से, कोई एडा कुछ शौक आई अब्बास नूं लड़न दा, प्यू दे कदमां ते हथ ला के दा, बाबा मेरे कोलों पुछो मैं किवें लड़सा, अब्बास किवें लड़सा, दे क्या दा है पढ़ना सलाम पेश करना, थोड़ी अजमत नूं सलाम पेश कर, हुसैन दी मां थोड़े तराजी हो गए। बिस्मिल्लाह करा, 1,24,000 पैगंबर च नज़र मार के देखो, अल्लाह ने हुसैन किसी नबी का नाम भी नहीं रखा जी। हुसैन केडा वड्डा नाम है, 14 च नज़र मारीे तो हुसैन 1 मिल रहा है। सुन लो एवें नहीं, दलील ना, 14 सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा का बदल मौजूद है। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा खुद मोहम्मद, मोहम्मद बाकर मोहम्मद, मोहम्मद तकी मोहम्मद, थोड़ा बोलिया जिन्हें सरकार अली अलैहिस्सलाम का किबला बदल मौजूद है। सरकार अली अलैहिस्सलाम खुद अली, अली ज़ैनुल आबदीन अली, अली रज़ा अली, अली नकी अली। सरकार हसन का किबला बदल मौजूद है। सरकार हसन खुद हसन, हसन अस्करी भी हसन। 14 च नज़र मारी हुसैन 1 नज़र आया, उस पासे नज़र मारी हुसैन 1 नज़र आया। मखलूक च हुसैन यकता, वो अपने खालक होण च यकता। मेरे बेटे कसीदा लिखिया, तौकीर अब्बास मेरे पिछे खड़ा है, मालिक जिंदगी दराज फरमावे। उसका लिखिया कसीदा मैं थोड़े सामने पंजाबी जुबान च पेश कर लगा। वो अपनी तौहीद च यकता, एक इमामत जी एकता। तवज्जो करो तो मैं कसीदा शुरू करा जी। पूरी कायनात दी तारीख च आलम इंसानियत च कई हुसैन उमर दा दावा ही दावा ही नहीं कीता। वाह वाह, जिवें कोल्ला उमर दा दावा नहीं कर सकता। सलवात पढ़ो ना ऊंची आवाज नाल, जो मेरा दिल करे कसीदा शुरू करा। So
सचेने करे ने दाद के में देवे जदा कर फिर हुसैन दे ना ते दाद देता करो हुसैन नाम ही ऐसा है या रोमन आ जांदा या वाहवा आ जांदी है मैं बिस्मिल्लाह करे के मैं भाई उस रब वांगू हो कलाए तो दिया सीधा पसंद आ रहा दूर अपड़ांदियां ने रब तक जेड़ियां ओ रामा हुसैन रखदा है जेड़े रदीफ काफिए समझदे हो जेड़े शायरी नू समझदे हो हुण तवज्जो करे सो तो मैं शेर पढ़ा हुसैन के शान दा मालिक है हुसैन के सदमत दा मालिक है पहला शेर जनाब तक साल करे आ झोलिया जा के वसूल करो के भाई बदल देती है तकदीर को निगाहां हुसैन रखता इस शेर वास्ते मैं मेहनत की थी जरा हूँ सुना लगा तवज्जो करनी है अदावा हुसैन रखता रावा हुसैन रखता ते निगाहां हुसैन रखता करबला दा मैदान हुसैन दा सजदे सर अल्लाह नाल मुखातब हो के हुसैन एक गल की थी जरा सुन लो कि भाई करे वो बला चे हुसैन अपना बुलाया इतना मेहनत करके जाकर साहब पढ़ते पे ने इतना बड़ा पंडाल है इधे भी लोग ने दरम्यान भी पिछे भी तौर तक खड़े ने ते नारे की आवाज इतनी बुलंद हो पूरा सच चक सुने नारे हैदरी शुक्रिया मैं बिस्मिल्लाह करा सजदा करके तेनो रब मनवावा का अजय सावा हुसैन रख दे गल मैं बहुत बड़ी कर गया बिस्मिल्लाह करा किसी बंदे सिर हला के सुन लिया किसी थोड़ा जहा बोल के सुन लिया गल मैं बहुत बड़ी की थी सजदा करके तेनो रब मनवावगा अजे सावा केडी वड्डी गल मैं बिस्मिल्लाह करा चलो अगली गल जनाब तक मैं अरसाल करना पूरी तवज्जो जिस मकाम ते बैठो किवें भाई सर कटवा के जड़ा सर पे बोल दे आज मैं तो सताए हर कोई आ गए के नजात में दीन रसूल दे उते छावा हुसैन रख दे कसीदा में पढ़ना इमामे जमाने अगर तुसी मेरे को वजह पूछोगे तो मैं आखांगा वो मजलिस मुकम्मल नहीं होती जिस इमामे जमाना का तस्करा था मैं अपने अकीदे की गल कर जी एक कसीदा आई कि मौला मेरा भी घर हो उत्ते अलमा दी हर बंदे दिल करता है कि नहीं करता
बोलो तो सही ना, चलो शेर च ना बोलिया जी, उंज तो बोलो कर देना हर बंदे मेरा घर हो मैं उत्ते अलम लावा, मैं हाजरी पकावा, मेरे बादशाह तशरीफ फरमावा और यकीनन तशरीफ फरमा। मैं चाहिया कि क्यों ना इस रिदम नू लै के, इस गल नू लै के मैं इमामे जमाना के एक दुआ पढ़ा। सारे मोमन जो नमाज तो पहले नमाज तो बाद भी इमामे जमाना की दुआ पढ़ते हैं, तो मैं आख्या क्यों ना इन एक नज़म की शक्ल दे के मैं जनाब तक अरसाल करा जी। सद शुक्र हमको प्यार है ऐसे सखी के साथ, जो सांस की तरह है रवा जिंदगी के साथ। हर बंदे नहीं बोलना मेरे नाल भाई, मैं पता लग गया। सद शुक्र हमको प्यार है ऐसे सखी के साथ, ब्रो साहब, जो सांस की तरह है रवा जिंदगी के साथ। और क्यों करना उसको खत लिखे दरिया की मारिफत, मुश्किल में जो मदद करे दरिया दिली के साथ। तेरा पर्दा भी पर्दे वाले पर्दा है कयामत का, तेरी गैबत बनी बाएस जहां में तेरी शोहरत का, और जमी वाले जमी पे देखते हैं रात तेरी, फलक पर मुंतजर ईसा भी है तेरी इमामत का। वाद नबूवत दो कदम पीछे, इमामत दो कदम आगे, नबूवत को भी आया है मजा तेरी इमामत का। ओ वादन कयामत आ नहीं सकती, असूल दीन पंज तौहीद अदल नबूवत इमामत कयामत, इमामत कयामत कयामत आ नहीं सकती, कयामत तक कभी वल्ला कयामत जानती है पहले नंबर है इमामत का। मैं सदके हो जावा, शेर सुनावन लगा, इमामे जमाना तशरीफ फरमावन जी। जे को थोड़ी जी साढ़े को चूंकि उच्चा कसीदा रखा हुआ, तो थोड़ी बात गलती हो जाए तो जिला माफ करना, तो कसीदा इंशाल्लाह रखे तो पूरा भी करना। मैं बिस्मिल्लाह करा, इमामे जमाना आवन ते होवे क्या नदाम कड़ा चले, ते अगली गल जड़ी नवी कर लगा कि मैं भाई अले थोड़ी नहीं देवनी भाई, भाई जे चुप बैठे मौला बोलने की तो ठीक ले। भला वे थोड़ी जिंदगी होवे, हुसैन की मां थोड़े तो राजी होवे। मैं बिस्मिल्लाह करा कि भाई अले इतना बड़ा कसीदा, इतने जोर न कसीदा, तो नारे मठे मठे
फुल जोर नल नारा मारो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। नाले दो सफर ते भी सारे तशरीफ ले आवे है, बत्तर ताबूत बांधवा मोड़। एक शेर का हुक्म है, मैनू इजाजत हो तो वही सुना ला, जिंदगी दे मेले ते किस्मत दे मेले। हुक्म होया चौधरी भाई जी सुना लो भी। एक कसीदा है जनाबे फिजा सलाम अल्लाह, चूंकि शहादत भी बीबी पाक दी मौला सज्जाद दी इकट्ठी हुई, मैं तुहानू बीबी फिजा का एक कसीदे का शेर सुनावांगा। वतन तो टुरी तो पुत्रन वादी है, मैं रूहानी इलाज वास्ते मदीने जा रहा। एक पुत्रा दे अम्मा सी को मामूली सी ते बादशाह, दौलत साढ़े को, सवारियां साढ़े को, हुक्म साढ़े चलते, सिपाही साढ़े को, वे जेड़ा बंदा ना बोले मैंने दुख हो सी। अम्मा हुक्म करो ना उस मदीने दे हकीम नू इत्थे ले आइए। पुत्र दे मुंह ते हथ रख के दे खबरदार मुन्ना रखी, जिथे मैं जा रही हूँ उत्थे नबी टुर के जाना। ओ मालिक तुहानू सलामत रखे यार, कदरदान लोग हो मौला तुहानू वस्ता रखे। बिस्मिल्लाह करा, मैं तो मेहमान हाँ तुहाडा भाई। एक वजीर अगे वध्या, उस आखिया बीबी जान दी अमान चाहते गुजारिश, तुहाडा कोई होर मकसद है मदीने जाण? बीबी आखदी हाँ मैं चाहनी हाँ, ये मेरी सल्तनत थोड़ी जी वज है। बीबी जदों बादशाह सल्तनत वजाते ने फिर जंगा लड़ते, इलाके फतह होंगे, माले गनीमत मिलता है, बादशाह की सल्तनत वज जाती है। बीबी फरमाया तू नहीं समझेगा, तू जमीन की सल्तनत की गल कर रहा, मैं आसमान की सल्तनत की गल कर रहा। सदके सदके तू जमीन की सल्तनत की गल करना, मैं आसमान की सल्तनत। मैं सदके हो जावा, घंटे का मजमून है मगर मैं शार्ट करके एक सतर तुम देव लगा, दे के जाऊंगा याद, साल तक याद रवे। हसनैन दे वेड़े च आ गई, हसनैन ने मां सद्या। भाई इस तो वड्डी गल मेरे को है कौन, हसनैन ने तुसा सुन ले बाबा जी तो मैं पढ़ लिया। हसनैन ने मां सद्या, इस मिंबर ते खड़ा वो किबला जिस को कदी भी गलती होनी होवे हसनैन मां नहीं सद्या। तुसे जितनी देवो उतनी बड़ी मेहनत, कभी गलती होनी होगी। इस वेड़े च आ गए झाड़ू दे मदीने दी औरतियां, फिजा शहजादी है मैं मलका मलका में बादशाह भूल गई है, फिर मैं मुद्दत हो गई, पुत्र भूल गए नहीं, फिर मैं देर हो गई, इतने क्या मिले? दसा बीबी का जवाब सारे बोलो बीबी आदी रब इज्जत वधाइयां, बर्दाश्त नहीं करना जरा मैं पढ़ा लगा भाई। बीबी दिए रब इज्जत वधाइयां, इस बुए ते मैं आया, मैनू भूल गईया शाइया जदों आदियां ने अम्मां मैनू अली दियां जाया। हाय हाय हाय, तुहाडी चुप दे सदके जड़े बैठे भाई, मौला तुहानू सलामत रखे, बड़ी मेहरबानी। जबरील आदे मेरे अल्लाह मैं तेरी जन्नत वेखनी चाहना, आवाज़े कुदरत आई परवाज कर। उन्ना परा नाल नहीं, अल्लाह ने हजारा की तादाद च पढ़ दिते, कुछ विखावना चाहता ही अल्लाह। जबरील परवाजा शुरू की थी, जबरील जैसा तेज रफ्तार फरिश्ता, एक जात बह कहते मेरे अल्लाह हुण जन्नत मुक गई हो सी। जन्नत दा नाम आया जहरा दी हवेली चुक, शहजादा बोलिया जिदा नाम हुसैन। आवाज आंदा जबरील जन्नत दी गल करनी, अल्लाह नाल न कर मेरे नाल कर, जन्नत दा मैं मालिक हां। जिहड़ा हुण भी चुप करके पवे दी अपने वर, आ मैं तेनू दसा तैं बड़ी परवास कीती है, तू जितनी परवास कीती है हुण तक तैं कितनी कु जन्नत वेखी। हाय हाय, आ मैं हुसैन तेनु दसा, बिस्मिल्लाह हुसैन फरमाओ सैयदा दे कर कर परवाला, तेरी हो गई अखीरे अजे पूरी नहीं तैं डिठी अम्मा।
वाली जिंदगी हो। फिर पढ़ना, मैं दोबारा पढ़ना, थोड़ी तमहीद के बाद मैं फिर पढ़ना। बड़ा मारे जी आवाज आ सोना सुनने वाले लोग बड़ा मारे अली दिया दिया। मैं बिस्मिल्ला अली दे पुत्रां नूं इंज मारे ने, अली दे पुत्रां नूं हथ कट के मारे ने, अली दियां धीआं दे हथ बन के मारे। एक रिवायत पढ़दा बिस्मिल्ला करा। हशर दा दिन सी, मैशर दा दिन सी, कबरां च लोग उठते पे उस अली मौला दियां चीखां बुलंद होसे। अली मौला दियां चीखां बुलंद होसे। अल्लाह आखसी ओ मेरी कायनात दा बहादुर अली, एडी उच्ची आवाज नाल क्यों खड़े होने? मेरा अल्लाह तेरे कोलो कोई चीज लुकी नहीं, मेरा अल्लाह तेरे कोलो कोई शय लुकी नहीं। मेरा अल्लाह वेखना कोई यतीम है, कोई गरीब है, कोई बेवा है, जेड़ा कबरे च उठदा पिया है कफन पा के पिया उठदा है, आओ वेख मेरा हुसैन बगैर कफन दे। अरे दे यार, रुक जा दे यार। मैं साहब एक और गल अली फरमाउड़े के नबी दियां धीयां दा सर जख्मी नहीं मरिया। हाय आवाज़ न के नबी दियां धीयां दे सर जख्मी नहीं।
ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਰ ਰੱਖਦੇ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਬਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੋਇਆ ਜੀ ਜਵਾਨ ਜਵਾਨ ਰੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਵਣ ਤਾਂ ਔਖੇ ਜਵਾਨ ਦਾ ਰੋਵੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁਸੈਨ ਕਬਰ ਚ ਬਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਰੋਣਾ ਅਲੀ ਫਰਮੇਦਣ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੇਕਫਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਰੋਣਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਗੈਰ ਕਫਨ ਦੇ ਉੱਠੇ ਤੇਰੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਵੇਖ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਚੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੀ ਮਾਤਮ ਬਾਈ ਮਾਤਮ ਦੀ ਦਾ ਮਾਤਮ ਦੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਡਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਰਚ ਕੇ ਰੋ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਚ ਕੋਈ ਪਰਦੇਸੀ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਸਨੂੰ ਕਫਨ ਦੇ ਵੀ ਗੁਸਲ ਦੇ ਵੀ ਬੋਲੋ ਬਣਦਾ ਨਾ ਦੇਵਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਤੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਫਨ ਮਿਲਿਆ ਗੁਸਲ ਮਿਲਿਆ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਤੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਟਿੱਬੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਔਰਤ ਆਈ ਈਸਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਈਸਾਈ ਦਾ ਉਹ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਇਨਸਾਨੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੇਖੇ ਕਿਬਲਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਗਿਰਜੇ ਘਰ 'ਚ ਆਈ ਪਾਦਰੀ ਨਵਾਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੇਖੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਲਫਸ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਜਲਿਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਉਸ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਈਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਿਆ ਦੇ ਈਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ ਦੀ ਗੁਸਲ ਦਿਓ ਕਫਨ ਉਸ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਈਸਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਰਸੂਲ ਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਐਡੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਮਗਰ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸਤੂਰ ਵੇਖੀ ਜਿਹਦਾ ਕਾਲਾ ਬੁਰਕਾ ਹੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਾਗ ਕੇ ਪੱਟੀ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੀ ਸਾਈਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਮੈਂ ਮਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਆ ਮਾਤਮ ਬਾਈ ਮਾਤਮ ਮੈਂ ਮਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਆ ਸਾਈਦਾ ਜਿਹਦੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਪਏ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਸੈਨ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਅੱਧਾ ਚਲੋ ਉੱਠੋ ਫਿਰ ਦਫਨ ਕਰਨਾ ਸਮਾਨੇ ਦਫਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਕਬੀਲਾ ਬਣੀ ਅਸਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਰਸੂਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਗਸੋ ਵੇਖੋ ਈਸਾਈ ਦਫਨ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ ਦਫਨ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ ਦਫਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤਲਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹ ਦਫਨ ਕਰੇ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੜੀਆਂ ਦਾ ਛਨਕਾ ਤੇਰਾ ਚੌਥਾ ਇਮਾਮ ਆਦਾ ਨਾ ਲੜੋ ਮੈਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਨਾ ਲੜੋ ਮੈਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਈਸਾਈਓ ਅਗਰ ਦਫਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਵਣ ਦੇ ਢੇਲੇ ਅਸਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਪਿਓ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ 72 ਕਬਰ ਬਣਦੀ ਟੁਕੜੇ ਹਨ ਪਿਓ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੱਜਾਦ ਇੱਕ ਬਹਿਣ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਾ ਮੈਂ ਕਿਆ ਦਫਨ ਕਰਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਾ ਇੰਜ ਕਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲੈ ਆ ਅਸਗਰ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਲੈ ਆ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਬਰ ਬਣਾ ਤੇ ਚਾਚੇ ਅਬਾਸ ਦੀ ਕਬਰ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਸਾਇਲ ਉਸਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸੱਜਾਦ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਕਬਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਦਨੇ ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰੇਂਗੇ ਗਰੀਬ ਆਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਬਹਾਉ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਵੱਡਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਤਰੇ ਦਫ਼ਾ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੱਜਾਦ ਜਲਦੀ ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਜਾਓ 9 ਮੀਲਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ
ਮਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਮ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਨ ਚ ਕਰੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਰਬਲਾ ਚ ਖੇਡਾ ਵੇ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਜਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਸ਼ਾਮ ਚ ਯਾਦ ਪਈ ਕਰ ਰੋਣਾ ਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਲਾਰੇ ਛਾਇਆ ਏ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਏ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਨਾਮ सलामत रखे तो बड़ा मसाए मेरे कोल कोई नहीं अजान मिलती आई लोग हंसते आए न मस्जिद के पास दौड़ते आए न आवाज क्या दी सज्जाद मेरे नेड़े आ मैंने गल का जवाब दे लोग किन वे नमाज पढ़ा न बीबिया दी मैं नौकरा नहीं जिम्मे दिल ने रोमर दे रो बीबिया दे समाज के हुज्जत जमाने दी भाई पुछ दिया पुत्र सजा दे तैयारी करी ने आज वाला किस्मत दे मेले जिंदगी दे मेले रोवणा लियो बाजार मुखा दरबार दी पेशी शुरू हो गई मैं मर जावा फड़दा जुमला नाक तारीख मजबूर कर दी कातल इनामा तो रोस रोस बैठ रुदे कोई अकबर दा सर चाके आ गया मैं नबी दी शक्ल लमारा है कोई याद है मैं दूध पीना मारा है कोई याद है मैं 13 साल का करियर जवान मारा है मैनू इनाम ने कोई हुसैन दा सर चाके सच्चा कल मैनू माफ करना ए लई नवा दे क्या देना सदा तो कोई कीमती चीज होवे ते ले आओ एक आद मेरे को कीमती चीज है केड़ी इन चाके एक गठड़ी आ गई है गठड़ी जमीन ते रखी आस दे के आद कीमती चीज है केड़ी चीज है आवाज दे शबीर दे सर तो ओए कीमती है जेड़ी गठड़ी खोल विखाई है ए दे विच है चादर ज़ैनब दी शबीर दे सर तो कीमती है जेड़ी गठड़ी खोल विखाई है एदे विच है चादर ज़ैनब दी असाने दे नाल आखरी जुमला मेरा मौके ही है मेरी मजलस तू मातम न करे तेरी अपनी मर्जी इकलई ने सामने आके खड़ोता है हाथ ते हाथ मार के हसया है लई ना दई ना मंगवालां दा तू दे नहीं सकदा मेरा जुलम बड़ा वड्डा है आवाज़ा दा केड़ा जुलम कीता ही असल लई ना दा है